बंदा भी नहीं, बंदा नहीं है, अंकल है। एक झंडा लेंगे। झंडा कितने का भैया? झंडा लूंगा यार। झंडा कितने का है भाइयों? ये है थोड़ा सा ट्रेलर, अब आप देखते जाओ धीरे। तो भाई जो अभी हम यहाँ पर रुके थे, जो कि पता ही नहीं हम कहाँ पर रुके हैं, ये हाईवे चल रहा है, हाईवे के बीच में हमें थोड़ा जगह मिली थी रहने की, तो हम यहाँ पर रुक गए क्योंकि आगे पता नहीं मिले ना मिले, तो हमने सोचा कि रुक जाते हैं। आगे दिखाऊँ, यहाँ पर दिखाते हैं। एक झंडा लेंगे। झंडा की फूड किंग प्लाजा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रुके हुए थे। और अभी हमसे कम से कम अयोध्या है, कम से कम अभी तो लखनऊ हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और अयोध्या उससे 150 किलोमीटर दूर है, तो मतलब कि हम 1-2 बजे तक वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर मजे करेंगे वहाँ पर अयोध्या के अंदर। ठीक है, फुल आपको दिखाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो वो भी रेडी होते हैं और निकलते हैं अब। और अभी मैं नहा नहीं रहा क्योंकि यार देखो अभी बाइक राइड करूँगा तो सारा गंदा वैसे भी हो जाना है, तो वहाँ पर रूम लेंगे क्योंकि 3 दिन तो हमें वहीं पर रुकना ही रुकना है, तो वहाँ पर रूम लेंगे अच्छा सा सस्ता सा, क्योंकि वहाँ पर ओयो के रेट भी 50,000 जा रहे हैं, मतलब ओयो के रेट 50,000। जहाँ पर मैं 700 रुपये में एक रूम करता हूँ वहाँ पर 50,000 का एक रूम है, तो अब देखते हैं क्या होगा। वहाँ पर रुकेंगे और वहाँ के धो के दर्शन करेंगे। वैसे राम मंदिर के तो दर्शन करने नहीं देंगे, बट और भी होंगे मंदिर वहाँ पर देखेंगे, आपको दिखाएंगे जो भी है, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, उससे पहले मैं कभी नहीं गया, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, रूम समेटते अपना, मतलब अपने कपड़े वपड़े समेटते और निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, बाय। और अपनी बालकनी कुछ ऐसी है, ज़्यादा इतना अच्छा व्यू नहीं है बाहर का, बट है नॉर्मल है भाई। रात रात को इतना ठंड, क्या बोलूँ आपको मैं भाई, ठंड कैसी थी बताऊँ? मैं तो ये ओढ़ के सो रहा था, मैंने डबल डबल लगा भाई। भाई ऐसा कुछ रूम है हमारा, कल के ब्लॉग में दिखा भी दिया था हमने आपको। मैं तो भाई अंदर इनर पहनूंगा, एक और पहनूंगा सोच रहा हूँ, क्योंकि सुबह की ठंड और गंदी हो गई है ना, मतलब कि अंदर कंबल के अंदर भी लेटे थे ना, ठंड लग रही थी। अब अपने कपड़े वपड़े समेटते और निकलने यहाँ से। ठीक है, जादू दिखाता हूँ अभी आपको। सो गाइस, फुल समेट दिया है, जादू तो दिखा नहीं पाया, फोन गिर गया था और तुम्हारा भाई पूरा रेडी हो चुका है। अरे फोन गिर गया था यार, मैं ऐसे कर रहा ऐसे गिर गया फोन। चलो बाय गाइस, सारा हो गया चेक वैक कर लिया हमने, कुछ रखा तो नहीं, अब निकल रहे हैं यहाँ से। भाई देख लो फुल अच्छी शेड नहीं थी क्या? देखो लो भाई यहाँ पर शेड है ना, रात को ऐसी लगी थी ना। 1700 रुपये का कमरा है। हाँ, लखनऊ स्टॉप करेंगे फिर सीधा अयोध्या। ये रही अपनी बाइक, बाइक भाई फुल सिस्टम सेट हो रखा है। हाँ देखो भाई, कुछ तकलीफ तो नहीं बाइक के अंदर, सब कुछ सही है, कुछ नहीं छेड़खानी। भाई दिल्ली में तो ना मेरे 2 बारी ये तोड़ दिए गार्ड। यहाँ पर बताओ ऐसे छोड़ के चले गए, कुछ नहीं हुआ बाइक को। यही होता है भाई, ये दिल्ली में और लखनऊ में फ़र्क। भाई बाइक का करेंगे अब कोल्ड स्टार्ट। हाँ अभी भी फुल है, मतलब की टैंकी। ओए होए होए होए, सोचो जी 900 होती तो कितनी तेज़ आवाज़ करती है। थोड़ा 5-10 मिनट इसको चालू रहने देते, क्योंकि मौसम तो बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, हाथ सुन हो गए अभी भी, बस धुंध नहीं है। अच्छी बात ये है धुंध नहीं है, आराम से चलेंगे अब और खेसते हुए चलेंगे, क्योंकि अब तो और डर नहीं है। जय जय श्री राम। तो भाइयों निकल रहे हैं अब यहाँ से, भाई गए अपना कंबल लेने, कंबल भूल गए थे भाई, और फ्यूल अप अभी हो रखा है। मेरे को थोड़ा क्लच दिखवाना है इसका, बहुत वो हो गया है, दिक्कत दे रहा है क्लच। तो भाई रात को तो फुल मज़ा आ गया, अब यहाँ से निकलेंगे सीधा अयोध्या की ओर। पहले लखनऊ रुकेंगे, थोड़ा चाय वाय वहाँ पर पियेंगे और फिर सीधा अयोध्या, वहाँ पर एक रूम लेंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, घूमने निकल जाएंगे, आपको बस घुमाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट में कर देना जय श्री राम, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। निकल चुके हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन, इनकी नंबर प्लेट थोड़ी ख़राब हो गई है, वो भी सही करवाएंगे। पेट्रोल भरवाना है, फिल करवाते हुए चलते हैं भाई, बीच में पता नहीं मिले ना मिले। वो ये हरा कलर का पेट्रोल कौन सा है? जियो का पेट्रोल, वाह।
सर्विस स्टेशन भी है क्या यार, कुछ हो जाए बाइक वाइक में। सही, यहाँ पर सर्विस स्टेशन है, बाइक से हो जाएगी। बस 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 265। उनको दिखा देना स्कैनर भाई, हमें वो दे रहे हैं स्पॉन्सर कर रहे भाई, हमें भाई स्पॉन्सर कर रहे हो ना आप मेरे को कैमरा है कैमरा भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरे को अयोध्या ट्रिप के लिए। क्लच कहाँ पर से जाएगा? नहीं नहीं भैया, लड़ाई ना करो, लड़ाई मत करो भैया भाई पहले क्लच से ही करवा लेते। हाँ साला बोल रहे बाइक सही नहीं होती यहाँ पर, नाक खराब। क्या हुआ? लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं, भाई जय श्री राम। लगता है ये भी जा रहे हैं हमारे तरह। क्या हुआ? चले चलो। सो गाइस, यहाँ पर कोई टोल आया है, कौन सा है ये टोल देखते हैं। चलो भाई नया टोल मिलेगा क्या? पर्ची निकालने वाली दे रहे हैं अंकल जी। लखनऊ के लिए इधर मुड़िए। वो मोहन जा रहा है, पता नहीं कहाँ मिले मोहन, मैंने तो सुना ही नहीं कभी, लखनऊ सुना है। ओहो भाई पहुंच गए लखनऊ, पहुंच गए भाई, पहुंचने वाले हैं। मतलब की फुल कैचम कैच चल रही है, फुल कैचम कैच। मतलब वही बाइक की दुकान फाइनली, छोटी सी है, नहीं छोटी सी नहीं है, पीछे है दुकान। अब इसका क्लच से करवाएंगे। चाय पी लो, एक ओला अपने पास भी होनी चाहिए थी, ओला में गाने बजाते हुए। जय श्री राम। सो गाइस, रोटी मंगाई है और कढ़ाई पनीर मंगाया आज, क्योंकि बहुत दिनों से थाली खा रहे थे, बोर हो गए थे। थाली मैं खा रहा था, भैया कुछ नहीं खा रहे थे। बाय। सो गाइस, खाना वाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा खाना था यहाँ पर। अब निकल रहे हैं अयोध्या के लिए सीधा। है लेना इस बाइक में कौन सा अच्छा बंधेगा, सही से बंधेगा, जो अच्छे से लगाना ठीक है, दोनों तरफ से बांध दो। जा रहे हैं, पता लगना चाहिए हम अयोध्या जा रहे हैं। से अभी भी 147 किलोमीटर दूर है, दो घंटे मतलब तीन घंटे एक तरह से, 2:30 तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि 1 बजे तक पहुंच जाए, क्योंकि रुकना तो अब कहीं नहीं है, खाना पीना खा लिया है, बस अब सीधा चलते रहना, चलते रहना, चलते ही रहना है। भाई ये है क्या लखनऊ? भाई 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 लिटरली दिल्ली से ज्यादा प्यारा लग रहा है, दिल्ली से ज्यादा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, दिल्ली से ज्यादा प्यारा। देखो रोड, देखो रोड मेंटेन, पूरी रोड है भाई। चेकिंग हो रही है क्या? शायद डर नहीं लगता बिना हेलमेट के चल रहे हो तुम? ले खाना खिलाया जा रहा है भाई, नहीं इनको पुलिस वालों को खिलाया जा रहा है। देखता हूँ आ रहा हूँ, हर घर येलो कलर का कर दिया और उस पर राम जी बनाए जा रहे हो, और राम जी के बारे में देखो यहाँ पर, देखो पीले कलर का कर दिया, पीले कलर का पीछे, हाँ पीले कलर का, देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो अच्छा लग रहा है ना। तो बोलो जय श्री राम।
सो गाइस फिर से फुल करवा लिया है, चौथी पांचवी बार फुल करवा लिया हमने, पांच छह हो गए। हाँ दिल्ली से। हाँ दिल्ली से। वाओ वाओ सजाया जा रहा है अयोध्या, क्योंकि 22 को है प्राण प्रतिष्ठा क्योंकि 22 को है प्राण प्रतिष्ठा। थोड़ा बोलने में मेरे को बहुत वो हो जाता है यार अंदर, कभी कभार माफ कर देना, धीरे धीरे सब कुछ सीखूंगा गाइस। आप बस कमेंट कर दिया करो अच्छे अच्छे प्राण प्रतिष्ठा। हाँ प्राण प्रतिष्ठा इट्स गुड। अयोध्या के लिए लेफ्ट, तो गाइस अयोध्या में आपका स्वागत है। अयोध्या के अंदर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से कम 14 किलोमीटर दूर है राम मंदिर। अब सीधा आपको वहां पर मिलेंगे, बहुत मजा आएगा गाइस। फाइनली ड्रीम राइड आ गई। चलो हमारा स्वागत है, चलो भाई। भाई ये गाने बड़े प्यारे लगते हैं जो चलते हैं ना ऐसे धीरे धीरे, इतने प्यारे लगते हैं, सुकून दे देते हैं मेरे को। भाई अयोध्या के अंदर घुसते ही ना मेरी अभी क्या बोलते हैं एबीएस की लाइट आ गई थी, मतलब कि एबीएस काम नहीं कर रहे, जो ब्रेक है ना ब्रेक मतलब थोड़े वो हो गए, एबीएस हट गया, ब्रेक तो थे बट एबीएस हट गया। अब एबीएस में आपको बता देता हूँ, एबीएस इसलिए होता है एंटी ब्रेक सिस्टम, मतलब कि कोई भी आप एकदम से ब्रेक मारते तो आपकी बाइक जो है ना स्केट नहीं खाएगी, उसी वक्त रुक जाएगी। वो हट गया था, वो आ गया था, मतलब अब हट गया भाई, मैंने बोला जय श्री राम हट गया भाई। अब तुम्हें मजाक लग रहा हो या कुछ भी लग रहा हो तो भाई है, अंदर आती अयोध्या के अंदर आती हट गया। यहाँ पर है राम जी की पावर, यहाँ पर क्या पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में राम जी की पावर है। उधर जाना था इधर मुड़ गया भाई, डर गया। वो डर गया। फाइनली 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 यहाँ से अंदर पूरा राम मंदिर है, देखो सजा पड़ा है ना। ओए होए होए फुल 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 मजेदार भाई। यहाँ के ना पुलिस वाले बहुत फ्रेंडली है, लिटरली बहुत ज्यादा। देख लो कितना सजा पड़ा है यार अयोध्या हमारा। भाई ये मजेदार तो ओए होए होए। अब आपको अगले व्लॉग में ना बहुत चीजें दिखने वाली है, तो अगला व्लॉग जरूर देखना, ये वाला भी देखना, इससे पहले वाला भी देखना, और आने वाले और व्लॉग देखना, भाई के भी देखना मेरे भी देखना। तो अभी सीधा रूम पे मिलते हैं आपको, ठीक है भाई। ये है थोड़ा सा ट्रेलर, अब आप देखते जाओ धीरे धीरे क्या क्या होने वाला है। बस अभी के लिए इतना ही, बस सदरा अंदर है राम मंदिर, वो आपको अगले व्लॉग में दिखेगा, तो देखते रहना। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि भाई हम पहुंच गए फाइनली राम मंदिर। हाँ भाई ये रहा अंदर है भाई। मंदिर किधर है यहाँ पर? मंदिर यानी जो गेट बना था आगे। हाँ बस अंदर ही है। जाने तो नहीं दे रहे होंगे अभी। यहाँ पर रहने का कहीं स्टे वे कहीं है? रहने का होटल। हाँ होटल है यहाँ पे, नहीं घर में रोटी सकते हैं, लेकिन सब कुछ है इस समय। भाई कुछ नहीं है रहने के लिए, सब बुक है सब। सो गाइस फाइनली होटल मिल गया है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, जैसे कहते हैं ना बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आप कमरा देखो पहले तो एक बारी। सॉरी भाई लेटा पड़ा हूँ, बट आप कमरा देख कर बताओ इसका प्राइस कितना होगा पर दिन का? नहीं 3 दिन का बता रहा हूँ, 3 दिन का मेरा 2500 रुपये लगे, टोटल मिला के 5000 रुपये 3 दिन का। ये कब तक वैलिड है? 23 जैन को सुबह तक 12 बजे तक, फिर इसके बाद ये हमें खाली करना पड़ेगा, और उस वक्त हम निकल चुके होंगे दिल्ली के लिए, ठीक है। और अभी ना एक व्लॉग मेरा डिलीट हो गया था पहले वाला,
जो कि आप देख चुके होंगे, और मैंने उसको री एडिट करा वापस, अब डाल दिया है, अभी यहाँ एडिट करके सोऊंगा, पूरा एडिट हो चुका है, बस ये थोड़ी सी वीडियो बन रही है आखिरी की, ये भी अपलोड हो जाएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मिलते हैं किसी बड़े से ब्लॉग में, मिलते हैं, टेक केयर, मैनेज डे, बाय बाय। कल सुबह उठ के जल्दी जाना है, आपके लिए वीडियो बना के आना है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी अगरबत्ती कहाँ पर जानी पड़ी है वो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, ठीक है, बाय।